यूपी के संबल में मामूली विवाद को लेकर युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मामला हयातनगर थाना क्षेत्र के मोहल्ला सराय तरीन का है, जहां मोहल्ले के एक रिक्शा चालक से मृतक युवक का विवाद हो गया, जिसके बाद रिक्शा चालक ने अपने कुछ साथियों को बुला लिया और युवक को पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने मामले को शांत करा दिया। वहीं परिजनों की माने तो विवाद निपटने के बाद कुछ लोगों ने युवक के घर पर चढ़ाई कर दी और उसको घर से निकालकर बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल घटना के बाद से परिजनों में आक्रोश है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेजकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। पूरा मामला थाना हयातनगर क्षेत्र के मोहल्ला सराय तरीन का है, जहां परिजनों का आरोप है कि शुक्रवार को मृतक युवक शोएब का मोहल्ले के रहने वाले एक रिक्शा चालक से रिक्शा हटाने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद रिक्शा चालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक की पिटाई कर दी। मामला बढ़ा तो स्थानीय लोगों ने युवक को रिक्शा चालक के साथियों से बचाया और विवाद को शांत करा दिया। आरोप है कि शनिवार दोपहर रिक्शा चालक अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मृतक के घर पहुंचता है और उसको घर से निकालकर पीटना शुरू कर देता है। आरोपी ने शोएब को इस कदर पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। आनंद फानंद में मृतक को अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने युवक को देखते ही मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया और पोस्टमार्टम को शव ले जाती पुलिस से लोगों की कहासुनी भी होने लगी, लेकिन पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शव को तुरंत भीड़ से छीनकर पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया, जिससे आक्रोशित परिजन थाने पहुंचे और वहां पुलिस से नोकझोंक भी करने लगे। इतना ही नहीं, परिजनों ने थाने के सामने जाम भी लगा दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे एएसपी और सीओ ने परिजनों को समझाकर मामला शांत कराया और सड़क से लोगों को हटाया। साथ ही साथ परिजनों को सख्त कार्यवाही का भरोसा भी दिया है। इस मामले में एएसपी आलोक कुमार जायसवाल ने बताया कि रिक्शा चालक से युवक का विवाद हो गया था, जिसके बाद मारपीट में युवक की मौत हो गई। इस मामले में परिजनों की तहरीर के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस इलाके में दबिश दे रही है। मृतक युवक अपनी 9 बहनों का एक भाई था, जिसको मोहल्ले के दबंगों ने मौत के घाट उतार दिया, जिससे मृतक की बहनों सहित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वो लोग परखेली हो गए हैं और उनका नाम हमें मालूम नहीं, और उन लोगों ने हमारे भाई को प्लानिंग से ले आकर मारा। 3-4 लोग थे वो, कल किसी बात पे गैस होना हो गया था, उससे झगड़ा हुआ था, तो आज उन लोगों ने जो ना उसको पंच मारा। क्या घर से अपहरण करा था उनको, उठाया था? जी, घर से उठाया। फिर कहाँ ले गए? वो अपने मोहल्ले में लेकर आए थे। अपने मोहल्ले में ले गए? जी, अपने घर को लेकर आए थे। कितने लोग थे मारने वाले? 4-5 लड़के थे वो। किस चीज से मारा है उन्हें? पंच मारा सीने। लोहे वाला जो पंच होता है, लोहे वाला पंच नहीं होता, वो मारा। अच्छा, फिर क्या हुआ? क्या हुआ? मौत हो गई उसकी? जी, उसकी मौत हो गई। क्या नाम है? मेरा नाम फाजिल है। मोहल्ले, कौन से मोहल्ले का मामला है ये? सराय तरीन का। आज सराय तरीन में फूलबाग के पास जो है एक ई रिक्शा चालक और एक वहीं पे जो है लड़का था, उसके बीच जो है झगड़ा हुआ, किसी बात को लेके विवाद हुआ। ई रिक्शा चालक और उसके साथ कुछ और लोग थे, जिससे मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में उस लड़के को चोट आई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। डेड बॉडी पीएम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया गया है। मुकदमा लिखा जा रहा है, अधिक कार्रवाई की जा रही है, गिरफ्तारी के लिए दबिशें जारी हैं। कितने लोगों पर सर परिजनों ने आरोप लगाया है और सर क्या ये तहरीर दे रहे हैं? 3 लोगों के लिए बता रहे हैं, बाकी अभी ये तहरीर लिख रहे हैं। ये मारपीट है, ये बता रहे हैं कि जो है एक ई रिक्शा चालक था, उस पर कुछ सवारियाँ बैठी थी, उसको लेके हो रहा था। उसमें वो लड़का वहीं पे था मौजूद, वो कहीं से बीच में आ गया तो फिर उसके साथ होने लगी, जिससे उसको चोटें आई। चोटें लगने पर उसकी जगह अब कई दिन बता रहे हैं सर कि पहले विवाद शांत हो गया था, फिर उसके बाद घर से ले गए थे उसको बुलाकर। अब ये सब तहकीकात की बात है, इसकी तहकीकात छानबीन की जाएगी। अभी जो लिख के दे रहे हैं उसके हिसाब से उसकी पूरी तहकीकात भी हो जाएगी। जो बात सही होगी उस ढंग की। थैंक यू सर।